महामारी हिंदुस्तान को इतने जख्म दे रही है कि उसकी टीस हर किसी के जहन में खौफ बनकर बस गई है। क्या अस्पताल और क्या शमशान, सब लाशों के ढेर पर आंसू बह रहे हैं। शमशान चिता की तपिश से करहा रहा है तो अस्पताल इंसानी चीख पुकार से दम तोड़ रहे हैं। मंजर यह है कि कोरोना मरीजों की सांस ऑक्सीजन में अटकी हुई है। अस्पतालों के बेड पर सिसकती जिंदगी कोरोना से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन इंसानी जिंदगी से कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर सांसों की नीलामी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। किसी की आंखों के आगे अंधेरा तो किसी को ऑक्सीजन के आस में जान बचाने की पड़ी है। हालांकि तस्वीरें विचलित करने वाली है, लेकिन क्या करें, खुलेआम सड़कों पर हर किसी को अपनी जान बचाने की पड़ी है, क्योंकि भारत की दहलीज पर जब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो दिल्ली से लेकर मुंबई, यूपी से लेकर हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों की सभी सड़कें सुनसान हो गई। और इस पर जब मेरी सहयोगी पारुल त्यागी ने नोएडा की सड़कों का जायजा लिया तो सभी सड़कें सुनसान दिखने लगी। देखिए, देश में कोरोना अपना कहर इस तरह बरपा रहा है कि लोगों के मन में अब डर बैठ गया है और लोगों का घरों से निकलना भी बंद हो गया है। नोएडा में इस समय हम मौजूद हैं और सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली ये सड़क है, लेकिन यहाँ पर भी अब सन्नाटा दिखना शुरू हो गया है। हालांकि नोएडा हो, यूपी हो या फिर गुजरात हो, नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे तमाम नियम जो हैं लागू किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में भी सन्नाटा दिखने के लिए मिल रहा है। ये सड़क हमेशा व्यस्त रहती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और लोग इस सड़क पर मौजूद रहते थे, लेकिन अब लोगों के मन में कोरोना को लेकर इस कदर डर है कि अब लोगों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया है। और यही वजह है कि अब ये सड़कें जो हैं सूनी सूनी नज़र आती हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वही घर से निकल रहे हैं जिन्हें ज़रूरी काम है या फिर कोई ज़रूरी आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि लोगों के मन में अब डर है। संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, लोगों के मन में इस तरह का डर है कि कहीं वो भी कोरोना की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि अस्पताल हो, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, हर जगह भीड़ नजर आ रही है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाम पाबंदियों और नियमों को फॉलो कर रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली ये सड़क भी आज सूनी सूनी नजर आ रही है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं पारुल त्यागी, नोएडा। इस कोरोना महामारी का आलम ये हो गया है कि भारत में कोरोना के कहर से अमेरिका भी घबरा गया है और अपने नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का फरमान सुना डाला। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो भारत जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। अमेरिका ने कहा है कि भारत में कोरोना संकट इतना गहरा गया है कि मेडिकल सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। अमेरिका ने केवल 4 ट्रेवल हेल्थ नोटिस जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए कई स्तरों पर मदद करने की घोषणा की है, तब इस तरह का अलर्ट जारी किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हेल्थ अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों से मेडिकल सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं। इसमें कहा गया कि अमेरिकी नागरिक भारत से आने वाली फ्लाइट से सीधे आ जाए। दरअसल भारत में कोरोना के नए मामले और इससे होने वाली मौत के आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधाएं भी सीमित हैं। अस्पतालों में मेडिकल आपूर्ति को लेकर मारामारी की स्थिति है। इसके अलावा नए मरीजों के लिए अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है, मतलब तस्वीरें भयावह हैं। भारत कोरोना से करहा रहा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी सता रही है तो कहीं अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। आलम यह हो गया है कि कोरोना संकट से मोदी सरकार को मजबूरन 16 साल पुरानी नीति बदलनी पड़ी। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और कई स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के बाद भारत ने विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कहा तो ये तक भी जा रहा है कि बाहरी देशों से मदद लेने के मामले में कई और बदलाव किए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अब चीन से ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों और जीवन रक्षक दवाओं की खरीद में कोई वैचारिक समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान से मदद लेने को लेकर नई दिल्ली अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हालांकि भारत पाकिस्तान से मदद स्वीकार करने वाला नहीं। मोदी सरकार का ये कदम सालों पुरानी उस नीति के उलट है जिसके तहत भारत अपनी आत्मनिर्भरता और स्वयं की उभरती हुई शक्ति वाली छवि पर जोर देता रहा है। ये पिछले 16 सालों की नीति से एक अलग बदलाव है, क्योंकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विदेशी स्रोतों से मदद नहीं लेने का फैसला किया था।
दरअसल 16 साल पहले तक भारत विदेशी सरकारों की मदद स्वीकार करता रहा था। भारत ने उत्तरकाशी भूकंप 1991, लातूर भूकंप 1993, गुजरात भूकंप 2001, बंगाल चक्रवात 2002 और बिहार बाढ़ जुलाई 2004 के दौरान दूसरे देशों की मदद स्वीकार की थी। हालांकि दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान बहुत चर्चित है, जिसमें उन्होंने कहा था, हमें लगता है कि हम अपने दम पर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ही हम उनकी मदद लेंगे। ये भारत की आपदा सहायता नीति को लेकर ऐतिहासिक क्षण था। बहरहाल उस दौरान पीएम रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये नीति तय की थी कि हम विदेशी मदद नहीं लेंगे। पिछले 16 सालों में भारत 2013 में उत्तराखंड त्रासदी, 2005 में कश्मीर भूकंप और 2014 में कश्मीर बाढ़ के दौरान विदेशी सहायता लेने से इनकार करता रहा। मोदी सरकार के आने के बाद भी इस नीति पर अमल होता रहा, लेकिन कोरोना संकट के बीच भारत को अपनी नीति बदलने पर आखिरकार घुटने टेकने पड़े, या ये कहें कि मजबूर होना पड़ा। अभी हाल ही में अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के बाद जब राज्य सरकार ने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात ने राहत के तौर पर 700 करोड़ रुपए की पेशकश की है, तब केंद्र ने किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेने से इनकार कर दिया था और ये साफ कर दिया था कि वो खुद घरेलू प्रयासों के माध्यम से राहत और पुनर्वास के लिए राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके चलते केरल और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला था। फिलहाल कोरोना संकट के बीच अब तक 20 से ज्यादा देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इनमें छोटे पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया की प्रमुख शक्तियां भी शामिल हैं। भूटान ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की। अमेरिका से अगले महीने एस्ट्राजेनेका के टीके आने की संभावना है। भारत को मदद पहुंचाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरब, हांगकांग, थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इटली और यूएई शामिल हैं। असल में 16 साल पुराने नियमों में बदलाव के संकेत उसी समय मिल गए थे जब पीएम केयर्स फंड में राष्ट्रीयता की बाउंड्री तोड़कर विदेशों से भी मदद ली गई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष ने दो दिन पहले ही कहा था कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की मदद करे, क्योंकि भारत ने उन देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई थी जिनके लिए आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यूएन की मदद लेने से इनकार कर दिया। आज भारत एट टाइम में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।